दोस्तों, जी टीवी उन चैनलों में से एक है जिसके हर एक शो को दर्शक काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उन्हीं में शामिल शो है कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य और तुझसे है राब्ता। जी टीवी के ये तीनों ही शो कभी भी दर्शकों का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, इसलिए आज हर कोई इन्हें अपने फेवरेट टीवी शो में से एक बताता है। लेकिन दोस्तों, यूं तो ये तीनों ही टीवी शोज दर्शकों के फेवरेट है, पर अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों सीरियल में से कौन सा शो है सबसे बेस्ट, तीनों में से दर्शक किससे अपनी पहली पसंद बताते हैं, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालिए, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो इसलिए बिना वक्त गवाए जल्दी से हम आपको बताएंगे कि कौन सा है नंबर वन शो। सबसे पहले बात करते हैं जी टीवी के शो कुंडली भाग्य की, जो कुमकुम भाग्य का स्पिन ऑफ है और पिछले 3 साल से ही जी टीवी पर प्रसारित किया जा रहा है। शो की कहानी प्रीता अरोड़ा और करण लूथरा पर आधारित है, जिसके बीच 36 का आंकड़ा रहता है। पर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि ये दोनों शादी के बंधन में बन जाते हैं, जिसके बाद नोकझोंक शुरू हुए इस रिश्ते में कई सारे अलग अलग रंग देखने को मिले, जिसके चलते इनकी स्टोरी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आती है, जिसके चलते इस शो की टीआरपी भी हमेशा ही काफी अच्छी रहती है। शो मेकर्स हमेशा ही कोई न कोई मनोरंजन ट्विस्ट लेकर इसे एंटरटेनिंग बनाते हैं। कुंडली भाग्य की तरह तुझसे है राब्ता भी 3 साल से जी टीवी पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसकी कहानी 18 साल की लड़की कल्याणी से शुरू होती है, जो अपने माता पिता के साथ काफी खुशहाल जिंदगी बिताती है। पर अचानक जब एक दुर्घटना के चलते वो अपने माँ बाप को खो देती है, तो उसकी कस्टडी उसकी सौतेली माँ को दे दी जाती है, जो काफी लविंग और केयरिंग होती है, जिसकी जिंदगी एक नया मोड़ तब लेती है जब कल्याणी की शादी वहाँ के SSP से हो जाती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफी खट्टी मीठी सी लव स्टोरी देखने को मिलती है, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रही है, जिसके चलते ये शो आज 704 एपिसोड पूरे कर चुका है। वही बात करें जी टीवी के सबसे पॉपुलर शो कुमकुम भाग्य की, तो एकता कपूर का ये शो पिछले 7 सालों से जी टीवी पर प्रसारित हो रहा है, जिसकी पॉपुलरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शो में काम करने वाले कलाकार आज टीवी के हाईएस्ट पेड स्टार में से एक बन चुके हैं, जिसकी वजह अभिषेक और प्रज्ञा की लव स्टोरी है। वहीं पिछले 7 सालों से प्रसारित होने के कारण इस शो में अब तक कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले हैं। जहां शो की शुरुआत अभी और प्रज्ञा से हुई थी, तो वहीं इसमें उनकी बेटी और दामाद भी आ चुके हैं। पर बावजूद इसके इस शो में दर्शकों की रुचि अभी भी बिल्कुल कम नहीं हुई है, जो दर्शकों के प्यार के चलते ही 1877 एपिसोड पूरे कर चुका है। अब अंत में बात करें कि इन तीनों में से कौन सा शो है बेस्ट और दर्शकों की पहली पसंद वाला शो, तो आपको बता दें कि शो कुमकुम भाग्य ही है, जो दर्शकों को हमेशा से ही एंटरटेन करता है। वहीं जब पब्लिक वोटिंग कराई गई और पूछा इन तीनों में से किसे दर्शक सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो सिर्फ एक और एक नाम लेते और वो है कुमकुम भाग्य शो का ही। दोस्तों, आपको इन टीवी सीरियल में से कौन सा सीरियल सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।